इनके खिलाफ जांच चल रही है। इनको भेजा गया है रजिस्ट्रार के द्वारा, बीसी के द्वारा यहां भेजा गया है। और यह भी बता देते हैं कि जो अनिल मंडल जो पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं, रजिस्ट्रार और बीसी को यहां से मोटा रकम कमा कमा के लूट के देते थे, उसके संरक्षण में यह घोटाला हो रहा था। आपसे ये पूछना चाहेंगे, सबसे पहला आरोप आपके ऊपर ये है कि आप स्कूटी लेकर के चक्कर लगाते हैं कॉलेज के अंदर, और स्कूटी लेकर के कभी गाड़ी लेकर के चक्कर लगाते हैं और ताव दिखाते हैं। देखिए, प्रधानाचार्य का उनके बयान से लगता है जो मानसिक दिवालियापन हो गया। आपको ऐसा लग रहा है? ये तो आप प्रिंसिपल का मानसिकता बता रहा है। जो प्रिंसिपल साहब है उनका ये कहना है कि आप किसी मीडिया को लेकर के आते हैं अचानक से और किसी भी चैम्बर में लेकर चले जाते हैं, जो चैम्बर कई महीनों से बंद है, जहाँ काम नहीं हुआ, आप जबरदस्ती लाइब्रेरी दिखा रहे हैं इस तरह का। नहीं नहीं, मीडिया को क्यों कहीं ले जाएंगे? मीडिया स्वतंत्र है, वो कहीं आरोप है? नहीं नहीं, ऐसा आरोप है तो मीडिया से पूछ ले क्यों, और मीडिया को हम ले गए होंगे वहां। तो उन्होंने कहा छात्र संघ के गुंडे, छात्र संघ को गुंडा, छात्र संघ का नेता कौन बनाता है? यहाँ आरती कॉलेज का जितना भी छात्र है, 25,000 छात्र है, वो छात्र संघ का नेता बनाता है। जब छात्र संघ के नेता को आप गुंडा कर दिए, उसको आप निरपेक्ष घोषित कर दिए, आतंकी घोषित कर दिए, तो आरती कॉलेज के तमाम छात्र को आप, छात्राओं को घोषित कर दिया आप गुंडा। कॉलेज के स्टूडेंट को आप कहते आतंकी, आतंकी है, आतंकी संगठन से तुलना करते हैं। हम कड़ी शब्दों में इसका भर्त्सना करते हैं और वाइस चांसलर से मांग करते हैं कि इस मानसिक दिवालियापन जो प्रिंसिपल है फूलो पासवान जी, इसको अविलंब यहां से हटावे, और नहीं तो इनके खिलाफ बहुत जल्द इतनी भयानक, इतनी बृहत स्तर पर आंदोलन होगा जो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या का जो है समस्या हो जाएगा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के आरके कॉलेज में, जो कि काफी एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से इस कॉलेज में भी छात्र संघ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक विवादित अब भड़ा बयान शुरू हो गया है। हाल ही में प्रिंसिपल साहब का एक बयान आया था, जिसमें यहाँ के छात्र संघ के जो नेता है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उन पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने में परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ 2019-20 के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, और छात्र संघर्ष समिति जो कि एक संगठन है उनके भी अध्यक्ष संतोष जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें क्या कुछ सच्चाई है। सबसे पहले तो राहुल राज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2019-20 तक आप यहाँ रहे छात्र संघ के, आपके 2 साल गुजर चुके हैं, फिर आप यहाँ क्या? अभी तक 19-20 में जो चुनाव हुई थी, उसके बाद चुनाव अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं करवाई थी कॉलेज में। जब तक चुनाव नहीं करवाती है, उससे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी को ऑफिस नहीं सौंपेंगे। ये चुनाव जो होता है छात्र संघ का, ये यूनिवर्सिटी करवाती है? जी बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी चुनाव करवाती है तो आपको ऐसा कुछ लिखित लेटर लिखकर उसके लिए उन्होंने दिया होगा कि अगर 2020 तक आपका टेन्योर खत्म होता है तो आपको ये एक्सटेंड किया जाए, ऐसा कोई लेटर मिलता है? नहीं, अभी तक नहीं मिला हमको। 2 साल में आपको लेटर मिला? नहीं, अभी तक लेटर नहीं मिला। तो फिर आप किस बेस पे आप ये कह रहे हैं? हम अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष के नाते नहीं, लेकिन स्टूडेंट के जितना भी सहयोग होगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे। ठीक है, अध्यक्ष नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के जितना भी सहयोग होगा उसके लिए हम खड़े हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा होता तो क्या मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है विधानसभा का, उससे पहले क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता अपने ऑफिस से? जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक पूर्व में जो छात्र संघ, आपकी तमाम बातें सही है। आप अगर कंपैरिजन करते हैं इसको उस तरह से कि मुख्यमंत्री जी का, तो वहाँ एक संवैधानिक कानून है, आप रह सकते हैं जब तक आपको रिजिग्नेशन नहीं दिया जाता है, जब तक एक नया निर्वाचित मेंबर आता नहीं है। लेकिन यहाँ आपके पास कोई रूल नहीं है, आपके पास कोई ऐसा लेटर भी नहीं है? ऐसा लेटर नहीं है तो हम लोग छात्र संघ के जितना भी चुनाव हो जाए, चुनाव करवा दे यूनिवर्सिटी, हम लोग ऑफिस छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मांग रखे हैं। हम लोग बार बार लिख के दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब को, चुनाव करवाइए यूनिवर्सिटी का, डीजी यूनिवर्सिटी को। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, हम लोग प्रिंसिपल को लिखे हैं, यूनिवर्सिटी को लिखने का काम करेंगे। आपके संगठन से जुड़े हुए लोग, आपके बच्चे जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन पर ये आरोप है कि ये लोग एक ऐसे बच्चे हो गए हैं आजकल, जो कहीं ना कहीं एक असामाजिक तत्व के तरह इस कॉलेज में नजर आ रहे हैं।
अगर प्रिंसिपल की नजर में आरके कॉलेज के स्टूडेंट गुंडा है, आतंकी है, सबको नहीं कह रहे, कुछ को कह रहे? नहीं, कुछ को नहीं, छात्र की, छात्र को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है आरके कॉलेज में, उसको जब कह दिए आप तो पूरे छात्र को कह दिए आप। जो छात्र अभी हमारी बातचीत वहां हुई है, उनका ये कहना है कि हमने जो शब्द का इस्तेमाल किया था टीटीपी तहरीके तालिबे पाकिस्तान, उनको उन्होंने एज ए उपमा, हिंदी में एक शब्द आता उपमा के, एक एग्जांपल लिया, उस तरह से हमने रिलेट किया है। उन्होंने कहा छात्र संघ के गुंडे, छात्र संघ को गुंडा, छात्र संघ का नेता कौन बनाता है? यहाँ आरके कॉलेज का जितना भी छात्र है, 25,000 छात्र है, वो छात्र संघ का नेता बनाता है। जब छात्र संघ के नेता को आप गुंडा कर दिए, उसको आप निरीपी घोषित कर दिए, आतंकी घोषित कर दिए, तो आप आरके कॉलेज के तमाम छात्र को, आप छात्राओं को घोषित कर दिया आप गुंडा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ये तो आप प्रिंसिपल का मानसिकता बता रहा है। जो प्रिंसिपल साहब है, उनका ये कहना है कि आप किसी मीडिया को लेकर के आते हैं अचानक से और किसी भी चैम्बर में लेके चले जाते हैं, जो चैम्बर कई महीनों से बंद है, जहाँ काम नहीं हुआ, आप जबरदस्ती लाइब्रेरी दिखा रहे हैं, इस तरह का। नहीं नहीं, मीडिया को क्यों कहीं ले जाएंगे? मीडिया स्वतंत्र है, वो कहीं आरोप है? नहीं नहीं, ऐसा आरोप है तो मीडिया से पूछ ले क्यों, और मीडिया को हम ले गए होंगे वहां, तो मीडिया स्वतंत्र है। कोई लगता है शायद क्या मनी करके कुछ नाम बताया था उन्होंने, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे कि ये लोग मिलजुल करके इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद गलत आरोप है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे साथ राहुल राज जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, जो कुछ इनके ऊपर आरोप है उनका ये जवाब दे रहे हैं। संतोष जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, सबसे पहला आरोप आपके ऊपर ये है कि आप स्कूटी लेकर के चक्कर लगाते हैं कॉलेज के अंदर, और स्कूटी लेकर के, कभी गाड़ी लेकर के चक्कर लगाते हैं और ताव दिखाते हैं। देखिए, प्रधानाचार्य का उनके बयान से लगता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं। एक बात बताइए, आरके कॉलेज मधुबनी जिला का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, और यहाँ सभी लोग आते हैं, छात्र आते हैं, छात्राएं आते हैं, गार्जियन आते हैं, किसी छात्र के भाई आते हैं, सब आते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात है, आप भी आए हैं तो आप बाइक से आए हैं, तो आप पर आरोप लग जाएगा कि बाइक से आप आते हैं, तो यह तो बेबुनियाद आरोप है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि एक दो दिन पहले, जो हम सबसे पहले बता देते हैं, जो हम छात्र संघर्ष समिति CSS मधुबनी जिला का सबसे मजबूत छात्र संगठन है, और छात्र संघर्ष समिति का ही देन है जो बिहार में छात्र संघ का चुनाव हुआ है। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि बिहार में 40 साल से लगभग चुनाव नहीं हुआ था। 2010 में छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए लगातार 6 महीना तक आंदोलन किया छात्र संघर्ष समिति, और इस क्रम में छात्रों के द्वारा, मतलब स्नातक तृतीय खंड के छात्रों के द्वारा परीक्षा का बहिष्कार किया गया था, या चुनाव करवाने के लिए, हम 2010 की बात बोल रहे हैं, 21 जून को, और उस समय में था पूरा जिला का सेंटर 3 जगह था, आरके कॉलेज, परीक्षा सेंटर 3 जगह बनाया गया था, आरके कॉलेज, जेएन कॉलेज और JMDPL महिला कॉलेज, तीनों जगह हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले जिला प्रशासन को लिख के दे दिया, जो महीनों से आंदोलन हो रही है छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए छात्र संघ का चुनाव कराने के, चूंकि एक जानकारी और भी दे दे कि उस समय में जो सरकार के द्वारा छात्र संघ का मनोनयन यानी नॉमिनेट का मतलब रूल ला दिए थे। नॉमिनेट मतलब होता है जैसे MP MLA का चुनाव होता है, उसी तरीका से छात्र संघ का चुनाव होता है। वहां नॉमिनेट मतलब नामांकित स्टूडेंट संबंधित कॉलेज के, वह वोटिंग करके जिताते हैं कि मेरा नेता कौन होगा किस कॉलेज के। तो बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला था जो नए, जो जिस साल में, उस साल जो सबसे अधिक नंबर लाएगा प्रिंसिपल उसको नेता बनाएगा। तो भाई नेता तो अब छप रहे हैं, प्रिंसिपल जो है नेता कैसे बना देगा भाई? संविधान में नॉमिनेट का प्रावधान नहीं है, तो अब नॉमिनेट शब्द कहां से ला लिए? तो इसी मांग को लेकर के नॉमिनेट प्रक्रिया बंद हो, क्योंकि संवैधानिक का प्रतिकूल है ही, और छात्र संघ का चुनाव हो, इसी मुद्दे को लेकर जो 2010 में जो है आंदोलन किया गया था, और 1 सप्ताह पहले 21 जून को बहिष्कार हुआ था, 1 सप्ताह पहले DMSP को, पूरा जिला प्रशासन को लिख के दे दिया गया था संगठन के द्वारा, जो सर महीनों से आंदोलन हो रहा है, राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, यदि 21 जून तक छात्र संघ का चुनाव मनोनयन रद्द करके छात्र संघ का चुनाव नहीं कराती है, तो छात्र संघ का सभी विद्यार्थियों से, परीक्षार्थियों से अपील किए कि अपने अपने परीक्षा का बहिष्कार करें, और
छात्र संघर्ष समिति का इतना प्रभाव है छात्र और छात्राओं के बीच में, जो सब अपने अपने परीक्षा का बहिष्कार किया। आरके कॉलेज का सेंटर था जीएन कॉलेज से परीक्षा बहिष्कार शुरू हुआ, उसके बाद आरके कॉलेज में हुआ परीक्षा बहिष्कार, उसके बाद महिला कॉलेज में, यानी पूरे मधुबनी जिला का थर्ड पार्ट का स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा का बहिष्कार छात्र संघ चुनाव कराने के लिए बहिष्कार हुआ छात्र संघर्ष समिति के आह्वान पर। और छात्र संघर्ष समिति के कारण ही, आंदोलन के कारण ही हमको जेल भी जाना पड़ा। तीन तीन मुकदमा, चार चार मुकदमा हुआ, जो भाई नेता आह्वान किया था इसीलिए परीक्षा बहिष्कार हुआ था, चलो नेता पर केस करो, और हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा, महीनों जेल में रहना पड़ा। तो नेताओं के लिए जब जब इतिहास गवाह है, आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, यदि संघर्ष नहीं होता तो आज देश आजाद नहीं होता, हम लोग अंग्रेज के चंगुल में रहते। अब बात हो गई 2018 से, यानी 18 फरवरी में पहला चुनाव हुआ छात्र संघ का, 17-18 सेशन का, उसके बाद 18-19 का, उसके बाद 19-20 का, जिसका 20 के अगस्त तक टेन्योर था। और आप सभी जानते हैं कि 20 में जो है मार्च के बाद जो है कोविड आ गया, कोरोना आ गया, बहुत विकराल स्थिति ले गया, जिसके कारण उसको स्थगित कर दिया गया। कोविड मतलब छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिया, सेशन लेट हो गया, एक साल कॉलेज बंद हो गया। तो इसीलिए लेट के कारण जो है चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी 21-22 का जो है अभी एडमिशन पीजी का समाप्त हुआ है। तो मेरा यह कहना है जो प्रिंसिपल साहब का जो आरोप है, जो छात्र संघ का जो टेन्योर समाप्त हो गया, छात्र संघ अवैध रूप से रखा हुआ है, तो एक बात बता देते हैं, आरके कॉलेज में ही छात्र संघ कार्यालय नहीं है, मधुबनी जिला के तमाम कॉन्स्टिट्यूट मतलब अंगीभूत इकाई जो है कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में छात्र संघ का ऑफिस है, और सब जगह है, पूरे जिला में घूम के देख लीजिए। मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम 43 कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव खुला हुआ है, छात्र संघ का कार्यालय खुला हुआ है। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का कार्यालय है, यूनिवर्सिटी में बीजी के बगल में है, वहां छात्र संघ का कार्यालय खुला हुआ है। वह मानसिक दिवालियापन है, और ये क्यों कर रहे हैं सो भी बता देते हैं। यह कर रहे हैं, इससे पहले का अनिल मंडल जी प्रधानाचार्य महोदय थे, इन्होंने मधुबनी जिला का सबसे बड़ा कॉलेज आरके कॉलेज, इसमें 13 खाता आरके कॉलेज का विभिन्न मद का है, उन्होंने अरबों रुपया का घोटाला कर लिया। और जब पहले वाला प्रिंसिपल, यानी 2 महीना पहले ये गए हैं, और जब इनके खिलाफ आंदोलन हुआ तो तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो समझ गया, जो हम पर भी आरोप आ रहा है, हमने हटाएंगे तो हम पर भी आरोप आ गया, इमीडिएट उसको हटा दिया, क्योंकि फर्स्ट यानी लेटर में ही उसको आ गया जो भाई वह दोषी है, तुरंत पनिशमेंट के तौर पर फर्स्ट पनिशमेंट दे दिया उसको, इनके खिलाफ जांच चल रही है। इनको भेजा गया है रजिस्ट्रार के द्वारा, बीसी के द्वारा यहां भेजा गया है। और यह भी बता देते हैं कि जो अनिल मंडल जो पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं, रजिस्ट्रार और बीसी को यहां से मोटा रकम कमा कमा के लूट के देते थे, उसके संरक्षण में यहां घोटाला हो रहा था, जिसकी जांच चल रही है, जांच हो रही है। और यह जो प्रधानाचार्य है उसको लूटने के लिए ही भेजा गया है, जो अधूरा हुआ छोड़ के आया है वही काम करने के लिए। इनका ये कहना है, अभी प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई है, कुछ देर के बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें इनका ये कहना है कि जो उन्हें भेजा गया है वो एज ए मिशन भेजा गया है, एक मिशन के तहत वो आए हैं, लेकिन उनका मिशन वो नहीं है। यहाँ से यहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं, जो कुछ संगठन के लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, जो पिछले इससे पहले जो प्रिंसिपल रहे उन्हें भगाया, इनका ये भी कहना है कि उनको यहाँ तक हैंड ओवर करने के लिए, जो पद हैंड ओवर करता है एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को, वो तक नहीं करने दिया। अब हम एक बात बता देते हैं, जो मानसिक दिवालियापन प्रिंसिपल साहब का इसी से दर्शाया जाता है कि 17-18 से 3 सेशन का चुनाव हुआ है, अभी तक कोविड के कारण नहीं हुआ है, तीनों सेशन चुनाव जो हुआ है 3 सत्र में, 17-18, 18-19, 19-20 तीनों सेशन में आरके कॉलेज में छात्र संघर्ष समिति समर्थित सभी उम्मीदवार छात्र संघ के पदाधिकारी में जीते हुए हैं, लगातार जीत रहे हैं। और आरके कॉलेज के 25,000 पर ईयर एडमिशन होता है हर एक साल, मतलब चुनाव जो होती है तो अपना वोटिंग देके यहाँ के छात्र संघ के पदाधिकारी को जीते हैं, मतलब निर्वाचित पदाधिकारी को आप, इतना ही नहीं, आरके कॉलेज की बात नहीं है, महिला कॉलेज है, वहां भी छात्र संघर्ष के समर्थित के सभी उम्मीदवार जीते हुए हैं छात्र संघर्ष समिति के ही। जेएन कॉलेज चल रही है, मधुबनी जिला मुख्यालय में 3 कॉलेज है, जेएन कॉलेज चल जाइए, तीनों जगह छात्र संघर्ष समिति समर्थित उम्मीदवार ही तीनों जगह 100% जीतते आए हैं। तो हम यह कह रहे हैं
उनके बारे में आप कह रहे हैं, यह तो 2 महीना पहले आया है। हम कह रहे हैं छात्र संगठन या छात्र संघ के पदाधिकारी, छात्र संघ का काम है जो छात्र के हित में काम करना। आप एक बात बता दीजिए, यहाँ यदि लाइब्रेरी कोई मीडिया आया था 2 दिन पहले, लाइब्रेरी में यदि गया जो पुस्तक छात्र से पूछ लिया कॉलेज में, जो पुस्तक नहीं है आपको मिलता है तो कहा नहीं मिलता है, कोई सिलेबस का किताबें नहीं है, तो यह गलत कैसे हो गया? प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट किया है, हाँ ठीक है किताब नहीं है, वह पूर्व के प्रधानाचार्य के गड़बड़ी से हुआ, अब हम ठीक कर रहे हैं। अभी भी हमने इनसे पूछा है कि लाइब्रेरी इतना गंदा क्यों है, इस तरह के हालात क्यों है, तो उनका ये कहना है कि वो पूर्व में था, अब हम उसको सही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा एक बात बता रहे हैं, तो छात्र संघ के यदि पदाधिकारी और छात्र मतलब महाविद्यालय के छात्र, यानी छात्र संघ के जो पदाधिकारी होंगे इस महाविद्यालय के छात्र भी होंगे, तो छात्र संघ के पदाधिकारी और इस महाविद्यालय के छात्र यदि लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन करते हैं जो वहां एक भी पुस्तक नहीं है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हो, तो गलत कैसे कर लिए? आप आए हैं प्रिंसिपल, आपको भेजा गया है आपको लूटने के लिए कि आपको छात्र के लिए भेजा गया है? यदि वह कह रहे हैं जो महाविद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था हो, जो पठन पाठन हो ही नहीं रहा है, चल जाइए आप, कोई क्लास नहीं हो रहा है, तो यह गलत कहां से हो गया? यदि महाविद्यालय में कह रहा है कि लैब की सुविधा हो, लेबोरेटरी की सुविधा हो, तो गलत कैसे कर रहा है सो बताइए। तो उनको यही चीज है, तो हम जो चीज कर रहे हैं उसका विरोध नहीं करे। तो एक बात बताइए, छात्र जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्यों चुनते हैं? वह इसीलिए चुनते हैं कि समझते हैं जो मेरे लिए लड़ेगा वह मेरे अधिकार के लिए। उनकी आपत्ति इस बात से नहीं है, उनकी आपत्ति इस बात से है कि आप अब छात्र प्रतिनिधि यहाँ के है ही नहीं। अब हम बता देते हैं, एक मिनट, उनका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हम बता रहे हैं जब छात्र संघ का जब कह रहे टेन्योर समाप्त हो गया है, उनका कहना है तो छात्र संघ से अभी भी वर्तमान में 100 रुपया पर विद्यार्थी से नामांकन के समय आप छात्र संघ से राशि क्यों वसूल रहे हैं? तो इसलिए ना कि चुनाव करवाना है। वही जवाब दे रहे हैं सर, सुनिए ना सर, जब चुनाव होगा तब आप लीजिएगा, इस बीच में नहीं चुनाव हुआ तो क्यों ना, ऐसे नहीं होता है। ना यूनिवर्सिटी करती है, कहना है कि इसी पैसे से चुनाव होना सर, हम बता रहे हैं हर एक साल जो चुनाव हुई है 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो 3 साल पहले से नहीं लिया जा रहा था, इससे पहले से नहीं लिया जा रहा था छात्र संघ का राशि। 17-18 से जो चुनाव शुरू हुई है तो 19-20 तक तो लिया जा रहा था, ठीक है 19-20 तक था उनके अनुसार, तो फिर 21-22 से क्यों लिया गया? अब उनका कहना है कि हम पैसा ले रहे हैं आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा, उस पैसा हम बता रहे हैं आपको किसी सब तो आप ही उसी राशि में जाता है ना, यही बता रहे हैं ना, हम जानकारी के लिए बता देते हैं, यह करोड़ों अरबों रुपया जो है ढकार लिए है, लूट लिए है। कैसे लूट लिए है? सब विभाग सब मद का राशि बटा हुआ है, एक मद का राशि दूसरे मद में आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। मतलब हुआ छात्र संघ का पैसा आपने लिया तो छात्र संघ के मद में ही पैसा जाएगा, लेकिन छात्र संघ का संवैधानिक संस्था है छात्र संघ, उसका अकाउंट है जिसका प्रिंसिपल सिग्नेटरी है, प्रिंसिपल के साइन से और कोषाध्यक्ष के साइन से पैसा निकासी होता है, तो जब तक प्रिंसिपल साइन नहीं करेगा तो निकासी तो होगा नहीं, तो संबंधित पैसे को अकाउंट में जाना चाहिए कि नहीं? कोई विश्वविद्यालय से तो रोक तो नहीं है, लूट रहा है, सब पैसा को खर्च कर रहा है, जेबी में डाल रहा है, ये नहीं जा रहा है, आप पूछ लीजिए, इसी ही ना दर्द है उनका, ये सब जो क्वेश्चन होता है इतना ही नहीं सर, इसी का तो जांच चल रहा है, पूर्व के प्रधानाचार्य ने भी यही सब ना गड़बड़ी करता था, जैसे आपको हम बता दिए। पैसा जो रहता है तो 13 मद का पैसा रहता है, 13 मद का खाता है, अलग अलग है, आरके कॉलेज का 13 मद का खाता है, पूर्व के प्रधानाचार्य ने किया है और यह भी किए हैं, आते आते शुरू कर दिए हैं, जिसका साक्ष्य हम बहुत जल्द देंगे, और यह भी किए हैं कि सभी मद के राशि को निकाल लिए हैं नियम परिनियम के विपरीत, इनको राइट नहीं है, फंड ट्रांसफर करने का राइट किसी के पास नहीं है, प्रिंसिपल के पास नहीं है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल के सिग्नेचरी से पैसा निकासी होता है तो सब पैसा को डेवलपमेंट मद में खर्चा करके अरबों रुपया खर्चा कर लिया है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जहां बैठे हुए हैं आरके कॉलेज का कैंपस बड़ा है, यहां से पेंट शुरू हुआ और साइंस बिल्डिंग तक जाते जाते 3 महीना लग जाता है, और पेंट कैसे कर लिए? उजला उजला से किया जाता है यहां, इसीलिए कि गंदा हो जाता,
यहाँ से करते करते साइंस बिल्डिंग में जाते जाते, यानी जिम से होते होते साइंस बिल्डिंग जाए में 3-4 महीना लग जाएगा, फिर यहाँ पुराना हो जाएगा, फिर वहां छोड़ के यहाँ से करेगा, फिर वहां जाएगा, फिर पुराना होके, मतलब हुआ साल में एक भवन को 4-4 बार पेंट करके और वो रुपया का निकासी कर लिया है। जहां 5 रुपया खर्चा होता है वहां वो 50,000 दिखाता है। वो यही तो जहाँ चल रहा है, यही उसको जो बचाने के लिए, रजिस्ट्रार को बचाने के लिए, पूर्व प्रधानाचार्य को बचाने के लिए, जो हम पर कोई दबाव नहीं दे, माने हम गलती करें तो हम पर कोई उंगली नहीं उठाए। एक बात बताइए, यदि महाविद्यालय के छात्र को आप आतंकी कह रहे हैं तो आपका मानसिक दिवालियापन के आप शिकार हैं। इस विद्यालय के छात्र आप गार्जियन हैं, आप विद्यार्थी हैं, एक कॉलेज में स्टूडेंट है तब प्रिंसिपल है, तब प्रोफेसर है, तब कर्मचारी है। कॉलेज के स्टूडेंट को आप कहते आतंकी है, आतंकी संगठन से तुलना करते हैं। हम कड़ी शब्दों में इसका भर्त्सना करते हैं और वाइस चांसलर से मांग करते हैं कि इस मानसिक दिवालियापन जो प्रिंसिपल है फूलो पासवान जी, इसको अविलंब यहां से हटावे, और नहीं तो इनके खिलाफ बहुत जल्द इतनी भयानक, इतनी बृहत स्तर पर आंदोलन होगा जो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या का जो है समस्या हो जाएगा। हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं, आप गए होंगे तो देखे होंगे वह 25 गार्ड रखा हुआ है जो प्राइवेट निजी कंपनी से, और उसमें भी घोटाला किया है। वह 25 गार्ड रखा है तो 25 गार्ड को ये करार किया है जो हम 35,000 दे देंगे, ठीक है, और मिलता है 10,000 रुपये, 25,000 रुपये प्रिंसिपल खा जाता है। और 25 गार्ड के बीच में विद्यार्थी जब कॉलेज कैंपस में आता है तो विद्यार्थी को मारा जाता है। आप देखे हुए गए होइएगा तो आप नजारा देख लिए होइएगा। डीएम साहब के यहाँ भी इतना सिक्योरिटी नहीं रहता जितना उसके यहाँ, देखते होइएगा वर्दीधारी सेना के वर्दी जैसे पहन के विद्यार्थी को डराया जा रहा है, कॉलेज के छात्रों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और कॉलेज में दहशत का माहौल है जो प्रधानाचार्य के द्वारा कर दिया गया है। तो हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं इस सन की दिवालियापन जो मानसिकता के प्रधानाचार्य हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनको अविलंब हटाने के लिए विश्वविद्यालय को लिखा जाए और इनको हटाया जाए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर कभी भी खराब हो सकता है। तो ये संतोष यादव जी थे, इनसे बातचीत हुई अभी, तमाम बातें इन्होंने भी रखा है और जो आरोप और एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं वो हमने आपको साझा किया है। इससे पहले हमारी बात प्रिंसिपल साहब से हुई और अभी संतोष जी से बात हुई। तमाम लोग जो दोनों ही पक्ष अपना अपना बात रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सही है कौन गलत है, वो तो वक्त बताएगा। और इसको लेकर के क्योंकि दोनों लोग प्रशासन से बात रख रहे हैं, अपना प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है वो हम देखते हैं और फिर आगे आपको अपडेट देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।